जिस तरह सलार की वजह से कल की 2898 AD पोस्टपोन हुई थी, उसी तरह कई बड़े सुपरस्टार की आने वाली मूवीज अपने निर्धारित रिलीज डेट पर रिलीज नहीं हो पाएगी। और ऐसी कितनी बड़ी मूवीज पोस्टपोन हो चुकी है उस पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस जूनियर NTR की मच अवेटेड मूवी देवरा पार्ट फर्स्ट भी कंफर्म पोस्टपोन होगी, शायद हो भी गई है, क्योंकि कई रूमर्स ये चल रहे हैं कि इसके VFX CGI का बहुत बड़ा काम बाकी है। वही अनिरुद्ध का म्यूजिक का काम भी पूरा नहीं हुआ। इनके अलावा सैफ अली खान जो कि मूवी में मेन विलन है, वो भी इंजर्ड हो गए हैं, जिस वजह से 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली अब ये जुलाई और अगस्त में फेस्टिवल में रिलीज होगी। वही विजय देवरकोंडा की फैमिली स्टार जो कि 28 मार्च को रिलीज होने वाली थी, अब वो देवरा की जगह 5 अप्रैल को रिलीज होगी। वही देवरा भी फेस्टिवल रिलीज देख रही है, जो 15 अगस्त की डेट को लॉक करना चाहते हैं। वही हम सबको पता है कि 15 अगस्त को ऑलरेडी पुष्पा टू द रूल आने वाली है, लेकिन दोनों मूवी तेलुगु सिनेमा से आती है तो इनके बीच तो क्लेश नहीं होगा। पर पुष्पा 2 के मेकर्स एंड अल्लू अर्जुन अपनी डेट पर अड़े हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर देवरा की वजह से इसको पोस्टपोन करके क्रिसमस तक ले जाना चाहते हैं। देखते हैं देवरा एंड पुष्पा के बीच की ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। वैसे पुष्पा के मेकर्स आज भी अपनी ओरिजिनल रिलीज डेट 15 अगस्त को लेकर ही चल रहे हैं, और इन रूमर्स को दूर करते हुए इन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा है कि अपनी मूवी 15 अगस्त को ही आएगी। इनके अलावा सूर्य की मच अवेटेड मूवी कंगवा भी कंफर्म पोस्टपोन होगी, क्योंकि बॉबी देओल के बर्थडे के दिन इनके पोस्टर में कहीं पर भी रिलीज डेट मेंशन नहीं थी। वही सूर्य एंड इसके मेकर्स भी इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं, जहां मूवी को 30 से 32 लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा। वही मूवी की क्वालिटी को भी सुधारा जाएगा, और इन सब के लिए इनको टाइम चाहिए, तो इन्होंने 6 महीने के लिए मूवी को पोस्टपोन कर दिया। और 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली मूवी अब सीधा गांधी जयंती या क्रिसमस को टारगेट करके चल रही है। वही थंगलान के मेकर्स भी सेम ही सोच रहे हैं, जहाँ चियान विक्रम ने खुद मेकर से कहा है कि वो इसे इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज करना चाहते हैं। इसके लिए वो नॉर्थ इंडिया एंड इंडिया से बाहर जाकर भी प्रमोशन करने के लिए तैयार है। वैसे जनवरी में रिलीज होने वाली थंगलान अब सीधा अप्रैल में रिलीज होगी। इनके अलावा एस शंकर की इंडियन 2 की वजह से इनकी मूवी गेम चेंजर लटक रही है, जहाँ एस शंकर इंडियन 2 में इतने बिजी हो गए कि रामचरण की गेम चेंजर को ही साइड में कर दिया। आपको बता दूं कि एस शंकर एंड कमल हासन की इंडियन 2 मूवी इतनी बड़ी हो गई कि जिसकी वजह से इसका एक और पार्ट यानी इंडियन 3 बनाना पड़ा। अब कमल हासन की इंडियन 2 एंड इंडियन 3 के बाद ही एस शंकर गेम चेंजर पर ध्यान दे पाएंगे, जहां रूमर्स ये आ रहे हैं कि इंडियन 2 14 अप्रैल को रिलीज हो सकती है। वही सितंबर में रिलीज होने वाली गेम चेंजर पक्का पोस्टपोन होगी। तो बॉस ये थी वो साउथ मूवीज जिनकी रिलीज डेट कंफर्म होने में ही कई लफड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर बड़ा एक्टर अपनी मूवी को फेस्टिवल पर सोलो रिलीज करना चाहता है। अब अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देख ही ली है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।